आज हम सीखेंगे जानेंगे कि हमारा UCL जो ID है वो सस्पेंड या बंद क्यों हो जाता है, हम UCL सॉफ्टवेयर पर काम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो सिंक करते समय ध्यान दें कि जब भी आप सिंक करें तो सेंटर नेम में जो सिंक का पेज खुलता है उसमें सेंटर नेम होता है, सेंटर नेम में हमेशा लिखें CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर, CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। और सेंटर टाइप में हमेशा परमानेंट ही रखें, क्योंकि आप ब्रॉडबैंड के जरिए काम करें तो सब हमेशा परमानेंट ही रहेगा, कैंप लगाकर नहीं आप काम कर पाएंगे। और तीसरा है जो आपका वाइट लिस्ट, इन अगर छोटी छोटी बातों का पालन करते हैं तो आपको भविष्य में समस्या नहीं हो सकती है। और UCL सॉफ्टवेयर पर जब भी काम करें तो वजन डॉक्यूमेंट से ही काम करें, या जो लिस्ट में दिया गया है उसी डॉक्यूमेंट्स को ही लगाएं, अपने तरफ से किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स कह कर कर या ला कर के या फोटोकॉपी वगैरह इसे काम कदापि न करें, इससे आप समस्या में पड़ सकते हैं। आधार इनरोलमेंट का जो फॉर्म है करेक्शन का, इसको साफ़ सुथरा क्लीन भरें, कहीं कटपीट या ओवर राइटिंग वगैरह कुछ ना हो, जो अपडेट करना है उस पर टिक लगाएं। और दूसरा जो फॉर्म है, कोई डॉक्यूमेंट्स न रहने की स्थिति में पता होता चेंज करने के लिए काम में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो वो है फॉर्म आपका ये प्रधान से प्रमाणित कराने का या तो फिर MP MLA से। इसको भी जब फॉर्म को फिल करें कहीं भी कटपीट ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, इंग्लिश का बड़ा अक्षर हो। उसके बाद देखते हैं कि आपका रिएक्ट कितने हुए हैं। सबसे मुख्य मायने रखता है कि रिएक्शन के ऊपर, यानी जितना ज़्यादा आपका रिजेक्ट रहेगा उतना चांस ज़्यादा बनता है सस्पेंड होने का या बंद होने का। तो आप जो भी काम करें तो इतना सावधानी रखें कि रिजेक्ट आपका कम से कम हो जाए। अगर सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो रिजेक्ट आपका कम होगा, तो आपकी आपकी ID सेफ रहेगी। इसके बाद जो भी UDI द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है उस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर काम आप करते हैं तो आपकी जो भी UCL ID है वो सस्पेंड या बंद नहीं होगा। ख़ास तौर से आपको ध्यान देना है कि हमारा रिजेक्ट जो भी हम काम करते हैं वो हमारा रिजेक्ट कम हो। आप दिन भर में अगर 50 करते हैं तो 50 की जगह बल्कि 30 करें, लेकिन काम सही ढंग से करें जिससे कि आपको भविष्य में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जितना ज़्यादा आपका रिजेक्ट होगा उतना जल्दी आपको आपकी ID सस्पेंड होने का चांस बनता है। और जो भी जन डेटा पर चेंज करना हो, अगर डॉक्यूमेंट्स उसमें वैलिड दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है उसको आप लगा सकते हैं। पता चेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है उस डॉक्यूमेंट्स को ही लगाएं। दूसरा, अपने तरफ से कोई भी संशोधन या एडिट या कुछ भी करके ना लगाएं, तो आप हमेशा कभी भी किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे और आपका UCL हमेशा चलता ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जल्द ही एक UCL से संबंधित फुल जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको लाने वाले हैं, क्या क्या समस्या होती है, कैसे होती है, उसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।